बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू और बैंगन, और इसके लिए मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने प्याज ऐड किए हैं और प्याज अभी मैंने ब्राउन करनी है। देखें, अभी प्याज जो है ये वाइट हैं, अभी थोड़ा सा इनको ब्राउन करना है। देखिए प्याज जो है इनका कलर जो चेंज हो गया। अभी मैं इसमें लहसुन ऐड करने लगी हूँ, जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था। देखें ये लहसुन ऐड करने लगी हूँ, और लहसुन को भी थोड़ा ब्राउन करना है ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए। देखें, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ वीडियो जो है ये फुल वॉच किया करें। लहसुन अभी सही तरह से ब्राउन नहीं हुआ। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये जल ना जाए। अभी इसका थोड़ा कलर चेंज हुआ है लहसुन का भी, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ। देखिए बस मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और पानी जो खुश्क हो गया है, और इसका कलर भी इतना जो है नाइस हो गया। प्याज भी डाल दिए, अभी मैं इसमें टमाटर और ग्रीन चिली ऐड करने लगी हूँ। और अभी मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून, और उसके बाद ये रेड वाली मिर्च का पाउडर ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून, और अभी इसमें हल्दी ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून। अभी इसका हमने मसाला तकरीबन 2 मिनट भूनना है। देखें इतनी नाइस मसाले की खुशबू भी आ रही है। मसाला भूनने से तमाम चीज़ें जो हैं ये मिक्स हो जाती हैं, और हमारे जो सालन का टेस्ट है ये बड़ा मज़े का होता है। अभी मैंने आलू वॉश करके रखे हुए हैं, आलू तकरीबन 1 kg हैं, और मैं आलू ऐड करने लगी हूँ। इनको भी हमने अच्छी तरह से भूनना है। देखें इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ। इनका मसाला मैंने जो है ये बड़े अच्छे तरीके से बनाया है, और इसलिए इनका कलर भी अच्छा लग रहा है। देखिए अभी मैंने आलू जो है इनको अच्छी तरह से भुनाया, और इनमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और अभी मैं इसमें बैंगन ऐड करने लगी हूँ। बैंगन जो है ये 1/2 kg हैं, देखें, और इनको मैंने फिंगर स्टाइल से काटा हुआ है, और ऊपर से मैंने ब्लैक जो है वो छिलका भी उतारा है। मुझे ब्लैक छिलका पसंद नहीं है, और ऐसे जो है वो नाइस बनते हैं। अगर छिलका हो तो फिर इतने मज़े के नहीं बनते, अगर छिलका उतार लें तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। अभी इनको भी भूनना है, अभी ये आलू भी थोड़े से कच्चे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो दूसरे तरीके से काटते हैं, जैसे आलू की शेप है ऐसे काटते हैं, लेकिन ये फिंगर वाला जो तरीका है इससे बहुत जल्दी बैंगन जो है ये गल जाते हैं। अब इनको भी हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनना है। देखें बैंगन का कलर भी जो है चेंज हो गया है,
इनको जितना भुने उतने ही मज़े के होते हैं। आप कभी छिलका उतार के बैंगन को बना ट्राई करना और बनाना, देखें कितने मज़े के बनते हैं। छिलके वाला जो बैंगन होता है वो सख्त हो जाता है, ये बैंगन जो है ये आलू में मिक्स हो जाता है और इतने नरम हो जाता है, और इसमें जो नमक मिर्च और मसाला जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़े का लगता है, और इसकी खुशबू भी बड़ी नाइस आ रही है। देखिए मैं हमारा आलू और बैंगन का सालन जो है ये रेडी हो चुका है, और बैंगन जो है इतने नाइस बने हैं क्योंकि मैंने छिलका उतारा हुआ था। आप एक दफ़ा प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना छिलका उतार के बैंगन बनाना, और इतना प्यारा है इनका कलर है, और जायका भी जो है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।